सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी रहे भूपेंद्र गुप्ता, जिनका नाम सागर लोकसभा से दावेदारों में निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है। भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने 3 महीने से भी कम के समय में कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों और पिछली भाजपा सरकार की नाकामियों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी और भी जानकारियां दी। वहीं जब उनसे सागर लोकसभा को लेकर दावेदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए पूरा पूरा काम करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार ने सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, अध्यादेश ला दिया। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से चर्चा करती थी, आज इसके रास्ते में बाधाएं भी खड़ी कर रही और उसने इसका स्वागत भी नहीं किया। तो आज मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 27% आरक्षण के विरोध में है। ये हाँ या ना में प्रदेश की जनता को जवाब दें, खुलकर विरोध करें या खुलकर इसका स्वागत करें। आज हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने 10% सवर्ण समाज के निर्धन और दुर्बल लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है कि विपक्ष में, इसकी खुली घोषणा करें। सागर में सीएम ने घोषणा की है कि हम ऐतिहासिक बदलाव करके सागर संभाग में दिखाएंगे, और इस ऐतिहासिक बदलाव की आप प्रतीक्षा कीजिए, आपको साल भर में ये आकार लेता दिखने लगेगा। नहीं, कांग्रेस में कोई दावेदारी नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, और जो पार्टी जिसको जिम्मेवारी सौंपेगी पूरी पार्टी उनके लिए काम करेगी और उनको जिता के लाएगी। ये सीट बहुत समय बाद इतिहास बदलेगी, और उस इतिहास बदलने में हम सारे लोग आपको एक साथ सहयोगी मिलेंगे। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।